जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बीइंग एस्पिरेंट पर। और आज का टॉपिक CDS 2 के नोटिफिकेशन के ऊपर होने वाला है। सो फाइनली UPSC ने CDS 2 2021 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। तो अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है या फिर आप अभी फाइनल ईयर में हो और आपका ड्रीम है यूनिफॉर्म पाने का, तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विस से जुड़ी सभी डिटेल आपको दूंगा, जैसे कि एग्जाम डेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। CDS यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन UPSC द्वारा साल में दो बार कंडक्ट किया जाता है। इस एग्जामिनेशन के थ्रू ग्रेजुएट इंडियन डिफेंस फोर्स को, जैसे कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को एज अ कमीशन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। इस एग्जामिनेशन के लिए मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट्स या तीनों ही सर्विस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, वही फीमेल कैंडिडेट्स शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए अप्लाई कर सकती हैं। CDS 2 2021 की एग्ज़ाम डेट 3 नवंबर 2021 दी गई है, जिसके लिए आप 24 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप UPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, जिसे कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब हम बात करेंगे एज क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इंडियन मिलिट्री के लिए सभी ग्रेजुएट्स एलिजिबल है जिनकी एज 19 ईयर्स से लेकर 24 ईयर्स के बीच है, जो कि कैंडिडेट जिनका जन्म 2 जुलाई 1998 से लेके 1 जुलाई 2003 के बीच आती है। अब बात करेंगे इंडियन नेवल एकेडमी की। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए कैंडिडेट्स जिन्होंने BE या फिर BTech कंप्लीट कर ली हो या फिर फाइनल ईयर में हो और उनकी एज 19 ईयर्स से लेके 24 की बीच आती हो, तो वो एलिजिबल है। जैसे कि कैंडिडेट्स जिनका जन्म 2 जुलाई 1998 से लेके 1 जुलाई 2003 के बीच आता हो। अब बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स एकेडमी की। वो सभी मेल ग्रेजुएट्स एलिजिबल है जिनकी एज 20 वर्ष से लेके 24 की हो, जो कि कैंडिडेट जिनका जन्म 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2002 के बीच आती हो। एयरफोर्स एकेडमी में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स के पास 12th में मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। पर अगर किसी कैंडिडेट के पास DGCA द्वारा इशूड पायलट लाइसेंस हो तो उसे 2 वर्ष की छूट दी जाती है। इन तीनों ही एकेडमी के लिए सिर्फ मेल अनमैरिड कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। और इन तीनों ही एकेडमी से पास आउट होने के बाद आपको परमानेंट सर्विस कमीशन मिल जाता है। अब बात करेंगे OTA यानी कि ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की। OTA के लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज 19 से लेकर 25 के बीच होती है, यानी कि कैंडिडेट जिनका जन्म 2 जुलाई 1997 से लेकर 1 जुलाई 2003 के बीच आती है, वो सारी एलिजिबल हैं। OTA सिलेक्ट करने वाले सभी कैंडिडेट को इंडियन आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जाता है। इंडियन आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन का इनिशियल 10 साल का होता है, जिसे कि 4 साल के लिए एक्सटेंड भी किया जाता है। अब बात करेंगे CDS रिटर्न एग्जाम की। कंबाइंड डिफेंस सर्विस में आपको टोटल 3 पेपर होता है, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स। इंग्लिश और GK सभी कैंडिडेट्स के लिए कंपलसरी होता है, पर मैथ्स सिर्फ वही कैंडिडेट के लिए है जिसने IMA, INA या फिर AFA के लिए अप्लाई किया है। इस बार CDS रिटर्न एग्जाम 14 नवंबर को कंडक्ट किया जाएगा। रिटर्न एग्जाम क्लियर करने वाले सभी कैंडिडेट को SSB और मेडिकल क्लियर करना होगा। और फाइनली सभी पास कैंडिडेट को अपने अपने चुने गए एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपका कोई फ्रेंड CDS के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। जय हिंद।